भारत सरकार का स्टैंडर्ड ये है कि सूखा पूरे देश भर में तब डिक्लेयर होता है जब जितनी बारिश होनी चाहिए उसमें कम से कम 10% डेफिसिट है और इसका असर देश के कम 20% इलाके पे। सरकार की तरफ से मॉनसून का गिनती का वक्त खत्म हो गया है। 30 सितंबर को मॉनसून की गिनती, 1 जून से 30 सितंबर तक मॉनसून की गिनती होती है। 30 सितंबर को सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 14% डेफिसिट है पूरे देश में और देश का 39% एरिया इससे अफेक्टेड है। सो मोटे तौर पे कहें तो देश के 50 करोड़ लोग इस वक्त सूखे से के असर में। अभी भी सरकार ने ऑफिशियली पूरे देश में सूखा घोषित नहीं किया। पहली बात तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से, कि ये इसमें एक भी दिन की देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके बहुत इम्प्लीकेशन होते हैं। इस घोषणा का राज्य पे, रिलीफ मेजर्स पे, सब पे असर होता है। उम्मीद करनी चाहिए आज नहीं तो कल ये घोषणा हो जाएगी। ये लगातार दूसरा साल है जब पूरे देश में सूखा। पिछले साल भी ऑफिशियली देश में सूखा था, इस साल भी सूखा। ये इतना, ये दुर्घटना बहुत रेयर है। पिछले सेंचुरी में, पिछले 100 साल में सिर्फ तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि बैक टू बैक ड्राउट। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है क्योंकि जो किसान पिछले साल बर्बाद हो चुका वो अब एक और झटका लेने की हालत में है। तो 100 साल में तीसरी बार बैक टू बैक ड्राउट हो रहा है। बहुत गंभीर स्थिति देश में है लेकिन अभी भी देश में, देश की चेतना में ये बात नहीं आई है कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर हुआ है।